लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं अभी रावरी आवास के सामने हूँ। हम बात करें सुपौल जिला के जिला उपाध्यक्ष हैं आरजेडी के, हम इनसे बात करेंगे। ये एक सजेशन हम ले रहे हैं कि देखिए, पूरे बिहार में जो रिजर्व सीट है उस वहाँ पर तो रिजर्व में आरक्षित कैंडिडेट तो है ही, अगर उसके अलावा जनरल सीट पर अगर आरक्षित सीट को दिया जाता है तो क्या आप लोग उससे दुखी होंगे क्या? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो निर्णय होगा वो अपने विचार से जो सोच के देंगे वो बहुत समीकरण बैठा के देते हैं। जहाँ पर यदि हम लोग को SC कैंडिडेट भी जनरल सीट पर दे दिया तो हम लोग को स्वीकार होगा, इसलिए होगा स्वीकार जो वो अपने अनुसार सोचते हैं। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय है, हमारे नेता तेजस्वी जी का निर्णय होगा, उस निर्णय को हम लोग मानेंगे। हम लोग कार्यकर्ता का हम लोग का फर्ज है, ठीक है, इस बात को हम मान लिए, लेकिन और मानेंगे ही नहीं। RJD से आप हट जाइए, पर्सनल लेवल पर आपसे एक सजेशन दिया जाए तो क्या कहेंगे, क्या सजेस्ट करेंगे? मान लीजिए आरक्षित सीट तो है ही 6 या 8 हो, जो भी सीट हो, लेकिन उसके अलावा जनरल सीट पर जिस जाति की, आप जाति जनगणना हो चुका है बिहार में, तो जिस जाति की जितनी जनसंख्या है उस आधार पर आप लोग अधिकार भी मांग रहे हैं, तब क्या सजेस्ट करेंगे माननीय लालू प्रसाद यादव को? देखिए, जनरल जो होता है SC ST के लिए जो आरक्षित सीट है, आरक्षित सीट तो उसके लिए केवल उस जाति के लिए आरक्षित है, और जनरल में तो सबका हिस्सा है ना, जनरल सीट में सबका हिस्सा है, तो सबका हिस्सा है, तो उसमें SC ST भी जा सकते हैं, अति पिछड़ा भी जा सकते हैं, पिछड़ा भी जा सकते हैं, समान जाति के भी जो लोग हैं वो भी जा सकते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो निर्णय होगा उसको हम लोग मानेंगे, और अभी भी मौका है जो आज क्लियर कर दे, चूँकि पूरे जिला का कार्यकर्ता परेशान है जानने के लिए, और गाँव देहात में जो है सो लोग पूछते थक गया है। अब लोग कहता है जो नहीं, इस पार्टी में जो है सो निर्णय का लेने का क्षमता नहीं बच गया है, अब कब निर्णय लेगा, कैंडिडेट नहीं मिल रहा, इस तरह का प्रोपगंडा उड़ाता है, नेगेटिव खबर जा रहा है। इसलिए हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से और हम अपने नेता तेजस्वी जी से निवेदन करते हैं, जो जैसे आप आज प्रदेश कार्यालय में आपका एक नेता बोले, जो आज घोषणा होगा 7 बजे, आप लोग देख लीजिएगा रेडियो में, TV पर, लेकिन अभी भी हम लोग मायूस होके जा रहे हैं जो अभी कुछ नहीं हुआ, इसलिए बहुत चिंतित हैं हम लोग। और हम लोगों से ज़्यादा वहाँ हम लोगों का जो गांव देहात में जो हमारा वोटर है वह बहुत ज़्यादा चिंतित है। और मेरे पास देखिए RJD के कार्यकर्ता हैं, सुपौल जिला से आए हुए हैं और मेरे साथ जुड़ रहे हैं, RJD के हैं, प्रवक्ता हैं, सुपौल जिला के प्रवक्ता हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, क्या नाम हुआ सर आपका? दिनेश प्रसाद यादव जी। हम बात करेंगे, 2024 लोकसभा चुनाव का घोषणा हो चुका है, डेट अनाउंसमेंट हो गया है, और NDA गवर्नमेंट की तरफ से सारे सीटों पर तकरीबन सभी का नाम अनाउंस हो चुका है, लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी तक अटकलें लगी हुई है, क्या क्या कमी हो रही है, क्या सही उम्मीदवार नहीं मिल रही है? उम्मीदवारों का हम लोगों के पास कमी नहीं है जी। वहाँ समाजवादी का धरती रहा है सुपौल, मधेपुरा, लेकिन पूर्णिया के मामले को लेकर के सुपौल वेटिंग लिस्ट में फंस गया, लेकिन वो अभी संशय खत्म हो गया है। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस बात से अवगत करा दिए हैं कि किसी कार्यकर्ता को अगर आप टिकट देते हैं, जिस श्रेणी से देना हो तो कार्यकर्ता को दीजिए, वहाँ पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है, भारी मत से चुनाव जीत के आएगा और जिला पार्लियामेंट से, और दिलेसर का मत सर के लोगों का धराशायी हो जाएगा, वहाँ जो जदयू का उम्मीदवार है, वहाँ जदयू का उम्मीदवार है। मतलब आप लोग एज ए कार्यकर्ता गारंटी दे रहे हैं कि अगर कार्यकर्ताओं को, जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, अगर उनको टिकट मिलती है तो उसको जीतने से कोई नहीं रोक सकता? बिल्कुल, कार्यकर्ता को अगर मिल गया तो सारे कार्यकर्ता अपने घर से मिलजुल करके खर्च करके चुनाव जीत लेंगे। कार्यकर्ता को मिलना चाहिए, मतलब वो पैराशूट वाला कैंडिडेट नहीं होना चाहिए? ना, वो नहीं होना चाहिए, आचरण भी उसका अच्छा होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा में देना चाहते हैं तो रामनाथ जी हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, उसको दे दीजिए, जिस श्रेणी से लेना चाहते हैं। हाँ चलिए, इनके अलावा और क्या नाम सजेशन? बहुत सारे हैं इसमें, वहाँ से अभी तो दावेदारी में होंगे हमारा, तो हम तो यादव वर्ग से हैं, यादव को वहाँ कटअप कर दिया गया कि यादव नहीं लड़ेगा, हम लोगों ने स्वीकार कर लिया है, अति पिछड़ा को ही जोड़ दे यादव, क्यों नहीं, क्या यादव, यादव तो जाति गणना भी हो गई है, पॉपुलेशन की बात है तो कितने यादव को ज्यादा, बहुत ज्यादा सीट मिल गया है, दूसरे जातों को भी सम्मान देने की आवश्यकता है, तो दूसरे वर्ग के लोगों को सम्मान देंगे तब ना हम हमारे साथ रह के वोट करेंगे, इसलिए यही नीति हम लोगों ने अपनाया है। मतलब आप लोग खुश है अगर दूसरे जाति को भी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई हर्जा नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता को टिकट मिले, कार्यकर्ता को मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। अभी तक क्या आपको ऐसा लग रहा है कि RJD जो है बिना सियास में हम लोग यहाँ खड़ा है? अभी तक जो जो भी टिकट मिला है कार्यकर्ताओं को, ऐसा कोई है कि कार्यकर्ता नहीं है अभी तक?
सुपौले उदाहरण बनेगा, सुपौल में अगर मिल गया कार्यकर्ता तो जय जय हो जाएगा आरजेडी का। चलिए अब बात करें 2024 लोकसभा चुनाव में, जैसे कि बात कर रहे हैं बीजेपी वाले बात कर रहे हैं कि हम 40 के 40 सीट लेकर के आएंगे, तो आप लोग क्या दावेदारी कर रहे हैं अब इस बार? कौन सी का दावेदारी? 40 सीट में कितने दावेदारी सीट की कर रहे हैं? इसी बार तो पता चल जाएगा अब मोदी को और नीतीश कुमार को कि उसका क्या हैसियत है बिहार में। लफड़बाजी नहीं चलेगा इस बार, लेकिन हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष सही सलामत अगर टिकट बांट दिया तो धराशायी हो जाएगा सारे लोग यहाँ। अभी तक सही सलामत टिकट बांटे कि नहीं? हेरा फेरी तो हुआ ही है, 4 जून को पता चल जाएगा। नहीं, इनको जो है ना तैयारी जो है सो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, राष्ट्रीय जनता दल के जो अध्यक्ष है हमारे, इनको तैयारी जब जानते हैं जो हमको चुनाव इस ऐसे ऐसे फेज में, हमारा 7 फेज में चुनाव है, तो इनको तैयारी रखना चाहिए पहले से इतना जो हमको जो है सो इतना विलम्ब कर रहे हैं टिकट बांटने में। और हमारा विरोधी जो है सो आज 1 महीना से घूम रहा है फील्ड में, और यहाँ पर जो है सो इनका जो है सो फाइनल नहीं हो रहा है, जबकि पूरा देश में हमारा नहीं है चुनाव लड़ने का, केवल बिहार में है। हमको 23 सीट फाइनल करना है हमको, और गठबंधन को 40 सीट। अब सुपौल जिला से ही है ना? हाँ, अब 23 सीट। क्या सजेशन देना चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष? सजेशन तो हमारा क्या रहेगा, सजेशन ये है जो किनको टिकट मिलना चाहिए, जुल्म हो रहा है जो अभी सुपौल जिला से किनको मिलना चाहिए, किनको मिलना चाहिए? हम लोगों को मिलना चाहिए यादव, सबसे ज्यादा है यादव को मिलना चाहिए, यादव समाज को मिलना चाहिए। हाँ, यादव को, यादव को मिलना चाहिए। हाँ, मतलब कार्यकर्ता को मिलना चाहिए, कार्यकर्ता पैराशूट वाले को मिलना चाहिए कि नहीं? हैं, पैराशूट वाले को, जो पैराशूट से आ जाएंगे टपक जाएंगे, पैराशूट वाला को, पैराशूट वाले को? नहीं नहीं नहीं, बाप रे, नहीं नहीं, सुपौल जिला का होना चाहिए, सुपौल लोकसभा का। क्या कहना चाहते हैं मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष को, क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शुरू से बोले हैं कि सुपौल जिला में अत्यंत पिछड़ा वर्ग का कार्यकर्ता लड़ेगा, क्योंकि हम सुपौल जिला के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, इसलिए हमने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। अब नेता को निर्णय लेना है। आप लोग चाहते हैं कार्यकर्ता को टिकट? हाँ, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जिनको भी मिले, जिला के अंदर के लोगों को, कार्यकर्ता को मिले, कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा, हम लोग उसको जिता के, कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा, हम लोग उसको जिता के यहाँ तक भेजेंगे। एक ही बताइए, हम एक सवाल करना चाहिए, पूर्णिया आप लोग के आसपास है, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा की बात करें, क्या पूर्णिया का डिसीजन जो है सही है गलत? देखिए, हमारे नेताजी ने कह दिया है कि मेरा समझौता किसी व्यक्ति से नहीं हुआ है, पार्टी से हुआ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पूर्णिया का सीट मांगा ही नहीं। अच्छा, नहीं मांगा था? नहीं मांगा था, इसलिए उस तरह का स्थिति हुआ है। पप्पू जी को तो वहाँ पर ऑफर किया गया था लालू जी के द्वारा कि आप आरजेडी ज्वाइन कीजिए और पूर्णिया से लड़िए या मधेपुरा से लड़िए, ये बात बोला गया था। हाँ, ये बोला गया था, लेकिन कांग्रेस सीट लिया ही नहीं। लेकिन कांग्रेस सीट नहीं लिया, अगर पप्पू जी दावेदारी कर दिए तो सीट पर से 3 सीट समझौता कर लिए मुकेश सहनी से, तो वहाँ भी समझौता किया जा सकता था? नहीं, इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसका जवाब देंगे, हम लोग इसकी जानकारी नहीं है। बोलिए, बताइए कि अभी तक जो है इंडिया गठबंधन का, या आरजेडी की ही बात करें, बीजेपी आपके जो विरोधी पार्टी है वो सीट उठ बांट करके उनके जो कैंडिडेट हैं मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग का अभी तक कैंडिडेट फाइनल नहीं हुआ है। अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने निर्णय ले लिए हैं, और वोटर जो है हमारा मन बना लिए हैं कि को वोट करना है। देश में जो स्थिति है बीजेपी सरकार, नहीं पैसे वाले को कौन चाहता वाले को, जनता पैसा जो काम करू है, कर्मठ है, काज कर देते हैं जी। अजय कुमार यादव जी सुपौल जिला से हैं? हाँ, सुपौल जिला से हैं। आप लोग लोग हैं उसी में से कोई आदमी चाहते होंगे टिकट? हाँ हाँ, है कि टिकट, लेकिन आला जो निर्णय होगा हम लोग उसके साथ हैं और उसको जिता के लाएंगे। लेकिन चलिए, निर्णय हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, 4 जून को आप लोग क्या दे रहे हैं पूरे बिहार में, सीमांचल को क्या, सीमांचल से क्या दे रहे हैं आप? सीमांचल से हम लोग का जीत होगा, हाँ जीत होगी। 40 ला रहे हैं? 40 सीट प्रयास कर रहे हैं, हम लोग लाएंगे 40 में 40 सीट। आप लोग लाएंगे? हाँ, हम लोग लाएंगे 40 में 40 सीट। लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की है।